तो चुनावी उफान के बीच भाषाई मर्यादा तार तार होने लगी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जारी हैं और चुनावी पारा एकाएक बढ़ चुका है। कांग्रेस भाजपा समेत तमाम दलों के दिग्गज नेताओं के तूफानी दौरे चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है इन दौरों और रोड शोज के बीच एक बार फिर से भाषाई मर्यादा का सरासर उल्लंघन हो रहा है। इस बार यह काम करने वाले कांग्रेसी नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल कर राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत की हार को लेकर कांग्रेस और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए यह बात कही जा रही थी कि वर्ल्ड कप फाइनल में पीएम मोदी की मौजूदगी के चलते भारतीय टीम वर्ल्ड कप हार गई है। इसी बात को कोट करते हुए राजस्थान में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने कह डाला कि पीएम मतलब पनौती मोदी। राहुल गांधी ने कहा कि क्रिकेट फाइनल में भारत इसलिए हार गया क्योंकि मैच देखने के लिए एक पनौती भी आए थे। राहुल गांधी का इशारा सीधे पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ था। राहुल ने कहा कि वो अलग बात है कि हरवा दिया, साथ ही आगे कहा कि पीएम मतलब पनौती मोदी। इस बयान के बाद से कांग्रेसी इसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी खुद अपने आप में एक पनौती हैं। भाजपा नेता रविशंकर ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता पर कार्रवाई की मांग भी कर दी है, साथ ही राहुल गांधी से माफी मांगने की भी मांग कर डाली है। खैर, यह तो हम मान चुके हैं कि जिस देश की सियासी इतिहास में राजनीतिक शुचिता का बोलबाला हुआ करता था, वह अब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है। बल्कि अब राजनीतिक लालसाओं के चलते झूठे बयानों आक्षेपों के साथ ही भाषाई मर्यादा का खुलकर उल्लंघन हो रहा है। राहुल गांधी ने भी निश्चित तौर पर इस बार भाषाई मर्यादा को लांघा है। राहुल गांधी ने न केवल पीएम मोदी को पनौती कह डाला बल्कि उसी मंच से दो जेब कतरों की मिसाल दे डाली। राहुल ने कहा कि एक जेब कतरा आपका ध्यान भटका देता है और दूसरा जेब कतरा आपकी जेब काट देता है। इस बार इशारा पीएम मोदी और गौतम अडानी की तरफ था। राहुल गांधी के इस बयान के बाद पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, रागिनी नायक सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं ने अपने अपने सोशल हैंडल्स पर इसको जमकर ट्रेंड किया है। हालांकि हम यह नहीं कहेंगे कि राजनीति में भाषाई मर्यादा का उल्लंघन पहली बार हुआ है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने सियासी भाषणों में भाषाई मर्यादा की सीमा कई बार लांघ चुके हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के दौरे पर आए पीएम मोदी पहले राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बता चुके हैं। इसके अलावा फैक्ट चेक में झूठे साबित हो चुके राहुल के आलू से सोना बनने वाले फेक वीडियो का जिक्र कर मोदी ने झूठ फैलाने का भी प्रयास किया। यही नहीं, पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कहा था कि चुनाव में इस बार ऐसा बटन दबाइए कि कांग्रेस को फांसी मिल जाए। बात यहीं खत्म नहीं होती है। इससे पहले भी पीएम मोदी समेत कई भाजपा नेता राहुल गांधी को अलग अलग मंचों से पप्पू कहते रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को लेकर पीएम मोदी बड़े शर्मसार करने वाले बयान भी दे चुके हैं। सोनिया के लिए वे कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेसी नेता शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी बता चुके हैं। कांग्रेसी नेता मणिशंकर भी गुजरात चुनाव के दौरान पीएम मोदी को नीच इंसान कहकर बड़े विवादों में घिर चुके हैं। हालांकि इस पर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। कहीं ना कहीं भाषाई मर्यादा पर ऐसे ही लगाम की जरूरत होनी चाहिए। इसी तरह कांग्रेस नेता उदय भान भी भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी पर निजी टिप्पणी करके काफी आलोचनाओं का शिकार हुए थे। हालांकि बाद में अपने बयानों को लेकर वे बैकफुट पर आ गए। हालांकि भाषाई मर्यादा को लांघने के मामले में बीजेपी नेता अव्वल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को गोरी चमड़ी की बताकर नस्ली टिप्पणी कर चुके हैं। वे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मायावी राक्षस बता चुके हैं। विवादित बयानों के लिए खबरों में रहने वाले भाजपा के पूर्व सांसद साक्षी महाराज भी राहुल गांधी को पागल कह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के फतेहपुर से भाजपा सांसद साध्वी ज्योति भी सरकार रामजादों की या हरामजादों की जैसे अमर्यादित शब्द बोल चुकी है। चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से 10 कदम आगे नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करने लगे हैं। बात चाहे राहुल गांधी की हो, नरेंद्र मोदी की हो या अन्य नेताओं की, कोई भी पीछे नहीं है।
देश में राजनीति की भाषाई मर्यादा तर्क कुतर्क में खोती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देश में अब सियासी तलछट बाहर आने लगी है, जिसे दूर करने की जरूरत है। लेकिन सवाल उठता है, इसे दूर कौन करेगा? क्या इस देश के नेता? जी नहीं, भूल जाइए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। सोचिए, विचारिए, सोशल मीडिया पर नेताओं के बयानों पर मजे लेना छोड़िए, इग्नोर कीजिए, पहचानिए अपनी ताकत को और विचारधाराओं से ऊपर उठकर फैसले लीजिए, गलत का विरोध कीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।